वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं गोंद के लड्डू। बस खुश आ गए आपके गोंद के लड्डू। ये दो लड्डू बहुत कमेंट्स। एक तो मेथी के लड्डू, दूसरे गोंद के लड्डू। तो हम लोग तो इतना क्वेश्चन मार्क हो गए कि पहले क्या बनाने का है ना। तो हमने बोले चल पहले ना अपन गोंद के लड्डू बनाते हैं, फिर उसके बाद अगर कमेंट आए तो फिर मेथी के लड्डू भी समझ लो ना बनाऊंगी। तो अगर मेथी के लड्डू चाहिए तो फटाफट कमेंट करो कि आंटी मेथी के लड्डू भी बनाओ है ना। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे के गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम गोंद, बादाम, काजू, पिस्ता, सूखा खोपरा, चारोली, खसखस, यहाँ लिए सोट का पाउडर, इलायची पाउडर, घी और गुड़। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दिए है गैस के ऊपर, ठीक है। अब हम इसमें घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने देसी घी ले ली हूँ जो आधा किलो है। तो हमें आधा किलो पूरा नहीं डालना है, कम से कम पाव किलो ही डालना है। तो आप लोगों को मैं पूरा काम होने के बाद बताऊंगी कितना घी गया है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 से 4 चम्मच घी डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। तो यहाँ पर मेरा घी हो गया है गर्म। अब मैं गैस कर दूंगी थोड़ा स्लो, क्योंकि हमको यहाँ पर अभी गोंद फ्राई करना है। तो गोंद के लिए हमको स्लो से मीडियम फ्लेम चाहिए, ठीक है। फास्ट गैस पे अगर आप लोग करोगे तो आपके गोंद अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसके लिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े, यानी कि गोंद को आपको पूरा एक साथ डालना नहीं है बिल्कुल भी, वो कच्चे रह जाएंगे। इसको स्लो थोड़ा थोड़ा डालकर ही पकाया जाता है और ये इस तरह से कुरमुरे की तरह फूल जाएगा, तभी समझना आप पक गया। कच्चा बिल्कुल नहीं निकालना, नहीं तो ये दांतों में आता है ना तो बहुत गंदा लगता है, ठीक है। तो ये अभी एक में निकाल के आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप चेक करें। ये हो गया है, अब ये गर्म है, मैं आपको ये बताती हूँ। देखो कुरकुरा हो जाता है पूरा, ये इस तरीके से टूट जाता है पूरा भुरभुरा होके। ये ठंडा होएगा ना पूरा भुरभुरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मैं इसको निकाल लूँगी। तो देखो ये पहला मैंने 2 चम्मच डाली थी ना, ये मैंने निकाल ली हूँ। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये भुरभुरा हो गया, ये इस तरीके सब इस तरीके से टूटने लग जाए, तब समझना कि आपके गोंद पक चुके हैं। अब मैं इसमें इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालूंगी और आराम से इसको पका के निकालते रहूँगी। इसको फास्ट गैस पर बिल्कुल भी नहीं पकाना, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ फास्ट गैस पर पकाएंगे तो कड़क रह जाएंगे आपके गोंद और मुँह में आएंगे तो दांत में फंस जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़े थोड़े ही फ्राई करना। तो देख रहे आप लोग 100 ग्राम मैंने पूरे गोंद अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। यही मेहनत का काम है गोंद के लड्डू में कि धीमी आंच पे आपको पहले गोंद को फ्राई करना है। और जितना घी आप लोगों को मैंने बताई थी उसके बाद मैंने इसमें 4 चम्मच घी और ऐड करी थी। वो घी खत्म होने के बाद दूसरे खेप में और घी डाली थी। इसमें घी सबसे ज़्यादा गोंद फ्राई करने में ही लगता है, सबसे मेहनत का काम है गोंद फ्राई करना, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा घी और डाल देंगे। अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट इसके अंदर आराम से फ्राई हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा घी हमको गोंद में ही लगता है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 100 ग्राम बादाम, ठीक है, और इसी के साथ मैं डाल दूँगी 100 ग्राम काजू, और मेरे गोंद जो है वो भी 100 ग्राम ही है। तो यहाँ पर मेरे काजू और बादाम फ्राई हो गए हैं, खुशबू भी अच्छी से आने लग गई है और इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो गया है। तो हमको इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको काले नहीं करना है, खुशबू आने तक ही फ्राई करना है। अगर आपको इसको काट के अगर फ्राई करना है तो कर सकते हैं, मैं इसको अक्के ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको कूट के नहीं डालूँगी, इसको मिक्सर में दरदरा सा पीस के डालूँगी, ठीक है। आपको अगर हमाम दस्ते में कूटना है तो आप कूट के डाल सकते हैं। अब मैं डालूंगी यहाँ पर 50 ग्राम पिस्ता, इसको भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने पिस्ता भी फ्राई कर ली हूँ, इसको भी हम डाल देंगे इसमें। तो अब मैं इसमें 25 ग्राम चारोली डाल दे रही हूँ, ठीक है। इसको भी आराम से एक मिनट तक मैं भून लूँगी। तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी। ये भी मस्त फ्राई हो गई है। ये ज़्यादातर है ना शिरकुरमे में पड़ती है, ठीक है, लेकिन ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसके लिए मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ड्राई फ्रूट अपने पसंद के भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यही बचे हुए घी में ये मेरा सूखा खोपरा भी डाल दूंगी। ये मैंने रेडीमेड लाई हूँ दुकान से, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैंने घर में नहीं पीसी हूँ ना ही खिरची हूँ। अगर आपको घर में खिरच के बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। तो देख रहे हैं आप लोग, 2-3 मिनट मैंने खोपरा भी अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। इसको ज़्यादा जलाना नहीं, ये बहुत जल्दी जलने लग जाता है, ठीक है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे हमारे बर्तन में। तो देख रहे आप लोग, खोपरा भी मैंने इसमें से निकाल ली हूँ और कढ़ाई हमारी एकदम सूख गई है, पूरा घी खोपरे ने सोख लिया है। अब हम इसको लास्ट में फ्राई करेंगे। इसको बिना घी के फ्राई करेंगे, हमको घी नहीं लगेगा इसके लिए। इसको किसको? ये खसखस को। इसको अभी मैं घी नहीं डालूंगी, ये पूरा चिपक जाएगा। इसको बिना घी के ही फ्राई करना है 2 मिनट तक। तो यहाँ पर मेरी खसखस अच्छे से फ्राई हो गई है, अभी हम इसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ मस्त। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें फ्राई कर ली हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो गोंद है ना, ये गोंद को हम ज़रा चूरा कर लेंगे, क्योंकि ये मुंह में आता है ना तो नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप है ना एक चपटा कटोरा ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, जो भी है वो ले लीजिए, इसको इस तरीके से चूरा कर लीजिए, ठीक है। तो मैं चूरा कर लूँगी। हमारे रियाज को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता ये मुँह में आएगा तो। हाँ सीधा बोलता, मम्मी मिक्सर में पीस के दे दो मेरे को, सीधा एक ही बात बोलेगा, मिक्सर में पीस के दे दो। तो देख रहे आप लोग, मैंने अच्छे से इसको कटोरी से मैश कर ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, पहली फुर्सत में हम ये जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे ना, इसको मिक्सर में दरदरा सा पीस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरे ड्राई फ्रूट पीस ली हूँ, मतलब दरदरा सा पीस ली हूँ, ज़्यादा नहीं, आधा पाउडर है आधा अक्खा अक्खा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको भी डाल देंगे हम ये गोंद में ना? बस इसमें थोड़ी सी चारोली मैंने अक्खी रखी हूँ, मतलब चिरुंजी, क्या बोलते हैं वो, चिरुंजी, चिरुंजी, ठीक है। अब हम जो है इसमें ये जो कोकोनट फ्राई करके रखे थे ना, इसको भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा हमने जो इलायची पाउडर लिए है ना, ये आधा चम्मच, ये भी डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने ली हूँ 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, ठीक है। अब इसको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ पूरा। इसको हाथों से ही मिला लेती हूँ पहले अच्छे से। खसखस जो है वो हम सबसे लास्ट में मिलाएंगे, ठीक है। अभी हम पहले गुड़ पिघाल लेंगे ना, उसके बाद हम खसखस मिलाएंगे। जब तक हम इसमें पूरा इलायची पाउडर और जो सौंठ का पाउडर, गोंद, खोपरा, ये सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब मिला ली हूँ और एक कुएं की तरह होल कर ली हूँ, छोटा सा कुआ है ना रियाज, बावड़ी, बावड़ी बना ली हूँ, ठीक है। अब हम इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर एक कढ़ाई रख दिए है हमने, जिसमें हम ये 2-3 चम्मच घी डाल देंगे। अब ये हमारा घी का इस्तेमाल लास्ट है। हाँ, अब इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे हमारा ये जो गुड़ रखे हैं ना, ये तो पूरा ना जम जाता है, ठीक है। इसको डाल देंगे हम इसमें घी में। हाँ, कितना गुड़ है ये? 350 ग्राम गुड़ है, ठीक है। अब इसको पिघलने देंगे
और इसके साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। बस ये देखो मैंने पानी और बचा ही ली हूँ इसमें आधे कप से भी, ठीक है। अब इसको अच्छे से चाशनी बनने देंगे, इसको पिघलने देंगे। तो देख रहे आप लोग पूरा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, और इसमें पानी डालने की वजह यह है कि ये हमको थोड़े नरम चाहिए लड्डू। अगर हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, अगर खाली घी में गुड़ पिघलाएंगे और इसको पिघलाते पिघलाते अगर गुड़ हार्ड हो गया तो हमारे लड्डू पूरे टॉफ़ी बन जाएंगे, ऐसे तोड़ तोड़ के खाने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने 2 से 4 चम्मच इसमें पानी ऐड करी ताकि ये नरम रहे, ठीक है। अब हम इसको गैस को कर देंगे बंद, हमको इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका ली हूँ। तो देख रहे आप लोग यहाँ पर मैंने इस तरीके की चाशनी बना ली हूँ। अब हम इसको ले जाएंगे सीधा उठा के इस तरीके से हमारे कुएं में डालने, है ना। और मैं छान के इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे गुड़ एकदम फ्रेश था, बिल्कुल कचरा नहीं था, ठीक है ना। नहीं तो फिर बोलेंगे आंटी आपने छाने क्यों नहीं, बिल्कुल मेरा फ्रेश फ्रेश गुड़ था। इसके लिए इसके अंदर हम बीच में और डाल देंगे, ये मस्त मीठे मीठे गोंद के लड्डू तैयार हो जाएंगे। हाँ, अब इसको गरम गरम ही हमको चम्मच से मिलाना है, हाथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम इसके अंदर ये खसखस भी ऐड कर देते हैं। किस चीज़ के लिए रहते हैं लड्डू ये? घुटने में दर्द, कमर में दर्द, कोनी में दर्द, मतलब आप एक हिसाब से पूरे दर्दों का ये रामबाण इलाज है, हड्डियों के दर्द के लिए मेन। और प्रेग्नेंट लेडी खा सकती है? हाँ प्रेग्नेंट लेडी, अरे ये तो हर कोई खा सकता है, देखा जाए तो बच्चे बूढ़े जवान सब खा सकते हैं ये। बस ये है कि डिलीवरी वाले लोग के लिए अलग से आता है मेथी के लड्डू, उसके अंदर कुछ जड़ी बूटियाँ अलग से डाली जाती है, ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं इसलिए। बाकी तो ये हर दर्द का इलाज है, मस्त। देख रहे हैं आप लोग, हाँ अब ठंडा हो जाएगा तो अब मैं इसको हाथों की मदद से हिलाऊंगी क्योंकि आप लोग देखें मैंने गुड़ गरम गरम डाली हूँ इसमें, है ना। तो देख रहे हैं आप लोग अब ये ठंडा हो गया है और इसको अच्छे से मसल ली हूँ। अब लड्डू कैसा है आपको जितने बड़े लड्डू बनाना है वो आपके ऊपर है, है ना। आपके घर में बड़े बनाना चाहे तो आप बड़े बना ले, छोटे बनाना चाहे तो छोटे बना ले। इस तरीके से है ना, मस्त एकदम। अब इसको अगर आपको खसखस लगाना है तो इस तरीके से डाल दीजिए और इसके अंदर इस तरीके से हल्का सा घुमा लीजिए, अगर चाहिए तो, अगर नहीं तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, है ना। अब इसी तरीके से मैं दूसरा लड्डू भी बना लूँगी। अब ये आराम से आप महीना भर तक इसको स्टोर कर सकते हैं, महीना भर रख के खा सकते हैं। मतलब महीना रख के बाद खाने का? महीना रख के नहीं, रोज खाने का, मतलब खलास होए तक आपके ये खराब नहीं होंगे, जैसे के वैसे ही रहेंगे, टेस्ट में भी और हर चीज में, मजे में भी। ये हो गए हमारे दूसरा लड्डू। तो देख रहे आप लोग ये मेरा लास्ट लड्डू है, ठीक है। अब मैं इसको खसखस में डिप कर रही हूँ थोड़ा सा और अपने हाथ पे ऐसे मसल ले रही हूँ और फिर लगा ले रही हूँ, ठीक है ना। ये मेरा लड्डू हो गए तैयार। अब हम इसको भी रख देंगे इसमें। तो गोंद के लड्डू रेडी हो गए। तो दोस्तों तैयार हो गए अपने गोंद के लड्डू। ये देखो भाई क्या मस्त बना लिया मैंने, एकदम इतना ताजा ताजा घी डाल के ऊपर से काजू बादाम, आ हा हा मजा आ जाएगा आज खाने में। लो मैं स्टार्ट करूं। गोंद डाली हूँ मस्त इसमें 100 ग्राम। हाँ नाम ही मतलब गोंद का, गोंद के लड्डू अच्छे हैं, लेकिन ना मैं आप बता दूं मैं ना डेली कभी मेथी के लड्डू, मतलब ज्यादातर मैं मेथी के लड्डू ही खाता हूँ दुकान से मंगा के,
रोज के दो लड्डू के मेरे पक्के हैं और हर बार मैं अलग अलग दुकान से खाता हूँ। अम्मी ने मुझे बोले एमएम के सबसे अच्छे, देखो भाई एमएम वाला सॉरी चीज गलत है तो गलत है, एमएम के सबसे अच्छे लड्डू रहते। बोला अरे वाह चलो मैं सब तरीके के लड्डू खाता हूँ तो एमएम के भी मेथी के लड्डू जरूर खाऊंगा। अब मैंने एमएम से मंगाया और सबसे महंगे एमएम के लड्डू है। वहां की गोंद इतने कड़क के साला दांत में ना मतलब पकी नहीं है वो अच्छे से। गोंद जो गोंद होते हैं ना मेथी में भी गोंद जाता है तो वो पके नहीं है। मैं चबा रहा हूँ ना हर चीज, टेस्ट भी अच्छा है लेकिन ना गोंद जैसे चिपक जा रहे हैं। क्यों? मैंने ना हमेशा गोंद के मेथी के लड्डू एमएम से मंगा के खाई, अच्छे रहते। लेकिन इस बार को गए थे लड्डू लाने ना तो हमको रुका के अंदर जाके बनवा के फ्रेश लाया, उसमें क्या गड़बड़ हो गई, वो घाई घाई में ना गोंद मेरे ख्याल से कच्चा ही उसने मिक्स कर दिया है डाल के, पकाया नहीं। अब इसको लाके दिया, अब इसने जैसा ही पहला लड्डू तोड़ा उसमें कटक करके इसके दांत को जाके लग गया। बोले क्या हुआ? तो बोले लो खाओ, इतना कड़क कड़क आ रहा। जब मैंने खाई तो मेरे बेटा इसने कर दिया कर भी, लेकिन मैंने खत्म किया। हाँ, उसके अंदर ना गोंद उसने कच्चा ही छोड़ दिया था, तो बोलने का मतलब है जब से चिड़ रहा है। तो मैं बोली देख मैंने इससे पहले भी तो पंजेरी वगैरह सब बना के मैंने खिलाई हूँ तो बड़े शौक से खाता है, तो बोलता तुम्हारे इसमें क्यों नहीं आता है वैसा। मैं बोली मैं उस तरीके से पकाती हूँ अंदर, तो पकाने के बाद भी इसमें ऐसी नहीं डालते, पीस देते हो तो टेंशन ही खत्म, तकलीफ ना हो। भाई ये देखो ये अभी भी ना थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट है क्योंकि इसका गुड़ अभी भी हल्का हल्का गर्म है। अभी हाँ। वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो आधे से एक घंटे में ना ये सेट हो जाएगा और एकदम मस्त बोलते ना हार्ड हो जाएगा थोड़ा। अभी भी सेट ही है माशाल्लाह। हाँ, और कितना सेट होना चाहिए, अभी भी देखो ये देखो अभी कितना सेट होना चाहिए, बस नरम ही रहे तो इंसान शौक से खाएगा। हां हां ये होते गोंद, असली घी के लड्डू है, गोंद के मजे ही लेंगे ना खाने में। और ये बात सही है, आप कोई भी होटल से मंगा लो कितना भी एक्सपेंसिव मंगा लो लेकिन जब वो आप खुद घर में बनाओगे ना तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर यार कहीं ना कहीं चूना लगा ही देते हैं, समझ गए? लो बिस्मिल्लाह, बड़ा बड़ा वाह। मैं तो ऐसे ही खाता हूँ लड्डू, आ गया ना अपने मतलब का, बोलते ना हेल्दी लड्डू, ये सब मुझे बहुत पसंद है। एक नंबर। हाँ हाँ बता, इतने बड़े बड़े होटलों के लड्डू खाता तू? मैं बोल रहा घर के लड्डू की बात अलग ही रहती है, सब ताजा फ्रेश अपनी आंखों के सामने अपने को जितना लगता है उतना अपन डाल सकते हैं। मस्त बड़ा लड्डू इसने मुंह में डाल दिया, ये भी हूं मस्त मजा दिमाग से तो फील कर करके खा रहा हूँ हर एक चीज, काजू बादाम और चारोली, बहुत से लोगों को पता नहीं है। मजा आ गया। 200 ग्राम घी इसमें पूरा लग गया है। हाँ ठीक है, अगर आपको इसमें पाव किलो आटा अगर घी में और भून के इसमें मिलाना है तब आपके पाव किलो घी पूरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं इसमें आटा नहीं मिला रही हूँ, मैं ज्यादातर नहीं मिलाती हूँ। इसमें मैंने 150 ग्राम खोपरा मिलाई हूँ, इसके लिए मैंने आटा नहीं मिलाई हूँ। अगर आप चाहे तो आटा भून के इसमें मिला सकते हैं। तो मैं अभी और कौन से लड्डू बाकी है? बहुत लड्डू है, ये तो अभी सर्दियों के लिए सही है, सर्दी के महीने में बनाओ आप। इसमें ड्राई फ्रूट भी गर्म है, गोंद भी गर्म है, और ये कैसा है आप बरस के 12 महीने खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सर्दियों में खाएंगे गर्मियों में खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। ये ड्राई फ्रूट हेल्दी होते हैं, बदन को हमेशा चुस्ती फुर्ती में रखते हैं। एक लड्डू खा के दूध पी लो आप दिन भर चुस्त रहेंगे, कोई सुस्ती नहीं आएगी। इसके लिए ये लड्डू तो मेरा मानना है हेल्दी ही है, बस के 12 महीने आप बना के खा सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी कमर फिट रहेंगी, घुटने फिट रहेंगे और जिस्म की हड्डियां आपकी फिट रहेंगी। अभी किसी को मेथी के लड्डू खाना है तो वो कैसा खाएगा? हमें तो आपको मैं बना के बता दूंगा। हाँ, तो भाई कमेंट करो कि आंटी मेथी के लड्डू भी बनाओ, वही मैं बोल रहा था, तुम पहले बना के बताओ फिर लोग बनाएंगे। तो यार अभी जो जो गोंद के लड्डू बोल रहे थे ना, फटाफट लोगों का काम है गोंद के लड्डू को शेयर करने का। हाँ, और ये डिलीवरी वाली औरत भी खा सकती है, पेट वाली औरत भी खा सकती है, बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं, बच्चे लोग भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। हाँ, ओरिजिनल जो जच्चा बच्चा जो खाते डिलीवरी में औरत जो मेथी के लड्डू खा सकती है, जिस तरह से मैंने पंजेरी बनाई उस तरीके से जच्चा के लिए मैं मेथी के लड्डू भी जरूर बना के डालूंगी। ठीक है, तो देखो वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो। अभी कब मेथी के लड्डू के बाद सब्सक्राइब करेंगे क्या? नहीं ना, सब्सक्राइब करो और इस गोंद के लड्डू को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंच सके और वो हमारी रेसिपी देख के बना सके। ठीक है,
मजा आ गया। अब ये लड्डू देखो सब फटाफट खत्म करो। तो चलो अब चलते हैं। बालूशाही भी फटाक से खत्म हो गई थी। हाँ बालूशाही तो नीचे के दो घंटे में खत्म। तो भाई बालूशाही की वीडियो ना, बालूशाही भी बहुत मजे के। जिस किसी ने नहीं देखा होगा तो जाके हमारी लास्ट वीडियो को देख लेना बालूशाही को। ठीक है चलो अब चलते हैं। हाँ ठीक है फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। दुआ में याद रखना।